नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल PHC अड्डा पर। मैं इस विषय पर चर्चा करूँ, संज्ञा से अभियोजक पर चर्चा करूँ, उससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि हमने पहले क्या क्या पढ़ा है। देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले स्टार्ट किए थे वर्णमाला, फिर हमने पढ़ा था वाक्य रचना, फिर हमने पढ़ा था वाक्य रचना में हमने पढ़ा था वाक्यों के प्रकार पढ़ लिए थे और वाक्यों में जो चिन्ह लगते हैं वो पढ़ लिए थे, ठीक है, उसी टॉपिक के साथ में। अब हम हाँ, और एक बात का ध्यान रखिएगा, जो जो आपने पढ़ा है वो रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, हमारे चैनल की साइट ये रही है, यहाँ पर आप लॉग इन करके यहाँ से टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आपको, तो टेस्ट सीरीज आप बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में हम चर्चा करते हैं अब आपके जो आपका जो अगला टॉपिक आया है, संज्ञा से अवयव तक। देखिए दोस्तों, ये टॉपिक जो है आपका कम से कम 2 दिन चलेगा। और हाँ, एक बात मैं बता दूँ आपको कि हम ट्रिक से पढ़ तो सकते हैं, लेकिन ट्रिक का क्या है कि आप अगर ट्रिक में एक भी शब्द भूले तो आपकी पूरी जो ट्रिक होगी वो भी मिसबैलेंस हो जाएगी, मतलब बिगड़ जाएगी, आप कहाँ का कहाँ लिख देंगे। इसलिए मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल आपको थर्टिकल पढ़ा रहा हूँ। आपको कहीं पर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा, तो हम आपके डाउट जो है वो क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए, अब इसी के साथ में हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले संज्ञा से अवयव तक। दोस्तों मैं बता दूँ आपको कि सबसे पहले हमने वर्ण जो पढ़ा था, वर्ण से मिलकर हमने शब्द बनाए थे, ठीक है, और शब्दों की रचना के बाद में हमने क्या बनाए थे, वाक्य बनाए थे। अब ये बात एक बात समझ लीजिए कि कोई भी जो सेंटेंस होता है उसमें हर एक शब्द का अलग अलग महत्व होता है, मतलब हर कोई जितने भी शब्द हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, सभी वाक्यों में क्या होता है कि जितने भी शब्द होते हैं सब अपना अपना अलग शब्द अर्थ निकालते हैं। अगर किसी भी वाक्य में एक भी शब्द मिस होगा या एक भी शब्द आपको नहीं दिखेगा तो वो जो वाक्य होगा उसका या तो अर्थ ही नहीं रहेगा या फिर उसका जो अर्थ होगा वो बदल जाएगा, ठीक है, या फिर उसका अर्थ जो निरर्थक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई वाक्य बनता है तो उसमें क्या क्या होता है, एक तो संज्ञा होती है, एक सर्वनाम होता है, एक विशेषण होता है, एक क्रिया होती है और एक अवयव होता है। इन सभी 5 चीज़ों से मिलकर क्या बनता है, आपका एक वाक्य बनता है, सेंटेंस बनता है, ठीक है दोस्तों। उसी के बाद में मैं आपको बता दूं कि जो पद की रचना होती है, अभी मैंने बताया आपको कि इन 5 से मिलकर होती है, कोई भी पद कब बनता है, 5 के मिलने के बाद, और जब पद व्यवस्थित हो जाते हैं तो फिर एक सार्थक शब्द का जो सार्थक जो वाक्य होता है उसकी रचना करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं आपके संज्ञा पर। आइए देखिए, संज्ञा जो है वो आपकी होती है कितने प्रकार की, 5 प्रकार की, ठीक है। सबसे पहले तो आप संज्ञा की परिभाषा लिख लीजिए कि संज्ञा होती क्या है। तो संज्ञा का मतलब होता है किसी वस्तु, स्थिति, वस्तु, स्थान या किसी का नाम, ठीक है, वो आपकी क्या होती है दोस्तों, संज्ञा होती है। अब यहाँ पर संज्ञा भी देखिए 5 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी जातिवाचक संज्ञा, जिसमें वो जाति बताती है कि भाई क्या है, मतलब जाति से मतलब ये समझिए कि वो व्यक्ति है, इंसान, मतलब इंसान है, व्यक्ति है या फिर कोई जानवर है। तो इस प्रकार से किसी का अगर नाम आता है तो वो आपकी क्या हो जाती है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। मतलब वह संज्ञा जो किसी वस्तु, स्थिति, व्यक्ति का नाम बताती हो वह आपकी कहलाती है क्या, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर जैसे कि राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, जितने भी नाम हैं, नाम जितने भी होते हैं वह सब किस में आते हैं, आपके संज्ञा में आते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, यहाँ पर उदाहरण लिखता हूँ कि जैसे देखिए राम, अब देखिए यहाँ पर संज्ञा कौन हो गई, राम हो गया। मतलब यहाँ जो भी काम किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, संज्ञा के द्वारा, यानी कि राम के द्वारा। तो राम क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो यहाँ मैं एक और बात क्लियर कर दूँ आपको कि क्रिया भी यही समझ लीजिए। देखिए पढ़ना क्या हो रहा है, यहाँ पर पढ़ने का क्या काम कर रहा है, काम क्या हो रहा है, पढ़ने का। तो ये आपकी क्या हो गई, राम की क्या हो गई, ये क्रिया हो गई। तो राम पढ़ रहा है तो राम तो यहाँ हो गया आपकी संज्ञा, और पढ़ना क्या हो गई, ये क्रिया हो गई। देखिए दोस्तों, बिना संज्ञा के कोई भी जो अर्थ होता है वो सार्थक नहीं होता है, क्योंकि संज्ञा की जगह आप सर्वनाम भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब संज्ञा की जगह क्या आ जाता है, अगर संज्ञा नहीं आती है तो सर्वनाम आ जाता है, पर इन दोनों में से कोई एक न एक होता है, वरना जो शब्द होता है वो सार्थक नहीं होता है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इन सब में से कोई ना, मतलब इन सभी 5 का जो बैलेंस है वो पूरी तरह से एक वाक्य रचना में होना चाहिए, बिना इनके जो आपकी वाक्य रचना है वो पूर्ण नहीं होती, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये हो गया क्लियर, संज्ञा का पहला प्रकार तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, है ना। पहला प्रकार क्या हो गया आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जहाँ पर किसी व्यक्ति, वस्तु,
अथवा स्थान का नाम आता है वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब होती है जातिवाचक संज्ञा। देखिए दोस्तों, अब जातिवाचक संज्ञा मतलब समझिए कि यहाँ पर प्राकृतिक चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया गया है। जातिवाचक संज्ञा जो होती है दोस्तों, जो किसी जाति समूह का बोध कराती है, जैसे कि नदी हो गई। तो अब नदी में देखिए, नदी जो होती है जिसमें सारी नदियाँ आ जाती है, क्या आती है? सारी नदियाँ आ जाती हैं। क्या आ जाती है? सारी नदियाँ आ जाती है। पर्वत आ जाते हैं, है ना, पर्वत, पठार, मैदान, है ना। इसके साथ में आपके जैसे कुछ बचा हो, जैसे कि नदियाँ हो गई, पर्वत हो गया। इसके बाद में जैसे कि आप किसी भी समूह को देख लीजिए, है ना। समूह मतलब ये आपका समूहवाचक में आएगा, लेकिन यहाँ पर जितनी भी जातियाँ होती हैं, जैसे कि मानव जाति, है ना, जंतु जाति, वनस्पति जाति, तो जितने भी जगत होते हैं वो सब किस में आते हैं? आपके जातिवाचक, क्योंकि इसमें उनकी जितनी भी यूनिटी होती है, उस पूरे का क्या होता है? बोध होता है। तो वो आपका होता है जातिवाचक संज्ञा। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं द्रववाचक संज्ञा की, या फिर एक एक काम करिए, जातिवाचक का एक उदाहरण देते हैं। ठीक है, नदियाँ बहती हैं, तो यहाँ पर नदी क्या हो गई? नदियाँ क्या हो गया? एक जाति हो गई। सभी नदियों की क्या हो गई? जाति हो गई। तो ये क्या हो गया? आपका जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी? द्रववाचक संज्ञा की। ठीक है, द्रववाचक संज्ञा में देखिए, द्रववाचक संज्ञा में क्या होता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं, धातु हो गई, अधातु हो गई, या गैस हो गया, ठोस हो गया, ये सब किस में आते हैं? द्रव, मेटल जिनको बोलते हैं, मतलब ऐसी संज्ञाएं जिनका मापन या मापतोल हम कर सकते हैं, ये सब किस में आते हैं? आपके द्रववाचक में आते हैं। जैसे कि पदार्थ आते हैं इसमें, जैसे कि मैं यहाँ लिख दूँ आपका सोना चांदी, सोना चांदी, है ना, गैस, भार वगैरह जितना भी होता है, ये सब किस में आता है? आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। किस में आता है? द्रव्यवाचक संज्ञा में। ठीक है दोस्तों, तो द्रव्यवाचक आपको समझ में आया होगा, क्योंकि द्रव्यवाचक द्रव्य से पता चल रहा है आपको कि द्रव्य में जितने भी मापतोलन जिनका हम मापतोल कर सकते हैं, है ना, वे सब किस में आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में। मतलब समझ पा रहे हैं ना आप कि जैसे मान लो हमने कोई चीज़ ली, मान लो हम कुछ लेने गए, मान लो अपन लेने गए बाजार में, गए सब्जी लेने गए, तो हम क्या करते हैं? सब्जी का मापन करवाते हैं कि भाई इतनी सब्जी चाहिए, तो वो किस में आती है? द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है। क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम माप तोल के लेते हैं, या जिस चीज़ की हम मापन कर सकते हैं, जिस वस्तु का हम मापन कर सकते हैं, वो आपकी आती है किस में? द्रव्यवाचक संज्ञा में। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद में देखिए समूहवाचक संज्ञा। अब समूह से ही स्पष्ट हो रहा है कि समूह मतलब ग्रुप, हिंदी में समूह कहते हैं, इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं। तो जो समूह होता है, जैसे कि देखिए आपकी फैमिली होती है, पूरा परिवार एक साथ रहता है, जैसे कि मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, ये सब क्या होते हैं? एक समूह में रहते हैं। तो वो क्या हो गया? एक समूहवाचक संज्ञा हो गई, जिसको हम जैसे कि मान लो माता पिता, उनके पुत्र, दादा दादी, ये सब किस में आते हैं? आपके परिवार में आते हैं। ठीक है, और एक मतलब परिवार मिलके क्या बनाते हैं? एक समूह बनाते हैं। ठीक है, और ये समूह मिलकर क्या बनाते हैं? एक ग्राम का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये समूहवाचक संज्ञा जो है किस में आ गई? परिवार में आ गई। या परिवार किस में आ गया? आपका समूहवाचक संज्ञा में आ गया। मतलब जहाँ कहीं भी किसी समूह की चर्चा हो, है ना, वहाँ पर क्या होगा? आपका समूहवाचक संज्ञा होगी। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद में देखिए भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से मतलब समझ रहे होंगे भाव, हमारे मन में जितने भी भाव उत्पन्न होते हैं, जैसे गुस्सा करना है, क्रोध करना, किसी से घृणा करना, किसी से प्रेम करना। ठीक है, किसी के बोलने की प्रवृत्ति, जैसे किसी की बोलने की प्रवृत्ति में मिठास होना, किसी का व्यवहार अच्छा होना, तो ये सब किस में आते हैं? आपके भाव में आते हैं। मतलब भाववाचक संज्ञा जो होती हैं वो उसमें क्या आते हैं? प्रेम, मिठास हो गया, मैंने अभी आपको जितने बताया, गुस्सा आ गया आपका, क्रोध और गुस्सा आ गया, है ना, और प्रेम आ गया, मिठास आ गया, आपका बोलने व्यवहार, आपका व्यवहार आ गया, आपके तरीके आ गए, ये सब किस में आते हैं? भाववाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ पर किसी के मन में भाव उत्पन्न होते हैं वो भाववाचक संज्ञा होती है, जहाँ किसी द्रव की बात होती है वहाँ द्रववाचक संज्ञा होती है, जहाँ पर किसी समूह की बात होती है वहाँ समूहवाचक संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक होती है जहाँ पर किसी व्यक्ति का या वस्तु का स्पेशली नाम लिया जाता है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा स्पेशली हम बोले तो क्या होती है? किसी व्यक्ति का, पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम जहाँ लिया जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। उसके बाद में जातिवाचक संज्ञा जो होती है आपकी, जैसे कि किसी भी एक पूरी जाति का बोध कराती है, वो आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, तो ये आपकी संज्ञा का जो पोर्शन था वो निपट गया है।
यहाँ से आप, मैं समझता हूँ कि, या मैं ऐसा करता हूँ कि आपको संज्ञा समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद में हम बात करते हैं सर्वनाम की। किसकी? सर्वनाम की। देखिए मिटा देता हूँ मैं ये, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो पॉज करके लिख लीजिएगा, वीडियो को थोड़ा रोक करके आप ये लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है, मैं ये लिख देता हूँ। अब देखते हैं जो संज्ञा के प्रयोग है वो किस प्रकार से होते हैं। मतलब एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा में जब कोई भी शब्द परिवर्तित होता है, या ये मतलब जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में जब कोई भी शब्द जाता है तो वो किस प्रकार से बोध कराता है अपने अर्थ का। तो यहाँ देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा से जब भाववाचक संज्ञा में कोई भी शब्द जाता है तो उसका अर्थ जो है पूरी उसकी जो जाति होती है या फिर उसका जो भाव होता है उसको परिलक्षित करता है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे कोई पुरुष है और उसमें ये क्या जोड़ दिया हमने, त्व जो है वो प्रत्यय जोड़ दिया है, जिससे ये क्या बन गया है, पुरुषत्व बन गया है। पुरुषत्व बन गया है, प्रत्यय भी जुड़ गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए इससे क्या हो रहा है, इससे पुरुष का जो पुरुषत्व है, जो भाव है कि किस प्रकार का व्यक्ति है या उसके लक्षण कैसे हैं, किस प्रकार से वो बिहेव करता है, व्यवहार करता है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा से सीधे किस में परिवर्तित हो गया, वो भाववाचक संज्ञा में। मतलब जो व्यक्ति था उसने, उसका जब भाव प्रकट हुआ तो वो किसके अंदर चला गया, पुरुषत्व में। मतलब वो पुरुष की जो जितनी भी जाति हैं या उसके जितने भी गुण हैं उसमें उसको अलग से परिलक्षित करते हैं, अलग से दर्शाते हैं। तो ये हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में। अब देखिए इसी प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा में, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि नाम से कोई मतलब नहीं, एक शॉर्ट ट्रिक है, या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ आपको कि दुनिया में हरिश्चंद्र की जरूरत है। तो यहाँ पे दुनिया में हरिश्चंद्र की जरूरत, तो हरिश्चंद्र किसी का नाम नहीं लिया गया है, हरिश्चंद्र से यहाँ रिलेट किया गया है ऐसे व्यक्ति को या फिर ऐसे लोगों को जो सत्य बोलते हो। क्या बोलते हो? सत्य बोलते हो। देखिए अब यहाँ पर हरिश्चंद्र जो है वो क्या है, किसी सत्य बोलने वाले का नाम है, लेकिन यहाँ पर दुनिया में किसकी जरूरत, ऐसे लोगों की जरूरत है जो किसको बोलते हो, सत्य को बोलते हो। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक, मतलब हमको हरिश्चंद्र जैसे लोगों की जरूरत है या आवश्यकता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। तो ये जो शब्द आते हैं, जैसे मान लो आपके एग्जाम में आ गया कि देखिए मैं यहाँ लिख दूँ, मैंने यहाँ लिखा प्रहलाद, और प्रश्न आया कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए, ठीक है। अब ऊपर और ऑप्शन में आ गया, या फिर ऐसा आ गया कि रेखांकित भा जो शब्द हैं वो किस संज्ञा से, किस संज्ञा में परिवर्तित हुआ है ना। तो देखिए यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि दुनिया में प्रहलाद जैसे लोगों की जरूरत है, और आपको ऑप्शन में आ गया व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, है ना, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक आ गया, फिर भाववाचक से जातिवाचक आ गया। तो यहाँ पर जो प्रहलाद है वो क्या हो रहा है कि इसकी जो, इसका जो अर्थ है, मतलब इसकी जो जाति है, मतलब पूरा जो समूह बन रहा है यहाँ पर, मतलब अच्छे लोगों के लिए, उसके लिए ये प्रहलाद क्या करवा रहा है, बोध करवा रहा है। बोध मतलब प्रहलाद उदाहरण क्यों लिया, क्योंकि प्रहलाद जो था वो बहुत अच्छा भक्त था, ठीक है, भगवान विष्णु का बहुत अच्छा भक्त था, इसलिए यहाँ पर प्रहलाद की संज्ञा ली गई है। क्योंकि आजकल क्या होता है कि लोग भक्ति वगैरह में ध्यान देते नहीं हैं, मतलब मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मानसिकता अगर दूर करना है आपको तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके मस्तिष्क को संतुलित अवस्था में बनाए रखना पड़ेगा, या फिर यूँ कहें कि आपको जो है वो ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। आप एक मिनट का भी समय निकालिए, सॉरी 5 से 10 मिनट का समय डेली निकालिए ध्यान करने के लिए। उससे क्या होगा कि आपकी जो मानसिक शक्ति होगी वो बढ़ेगी, साथ ही साथ आपके मस्तिष्क में अगर कोई तनाव है किसी प्रकार का तो तनाव भी दूर हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर प्रहलाद जो है वो भक्त की बात की गई है, लेकिन आज भक्त लोगों की जरूरत है समाज में, क्योंकि आजकल लोग क्या हैं, सब क्रूर हो गए, निर्दयी हो गए, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं रहा है, सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है। तो यह क्या हो रहा है, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। मतलब यहाँ पर जो प्रहलाद है ऐसे लोगों की, ऐसे जाति वाले लोगों की हमें यहाँ सख्त ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। देखिए संज्ञा में ही है आपका अगला, जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। ये तो हो गया आपका भाव, व्यक्तिवाचक से भाववाचक, भाववाचक से जातिवाचक। अब देखिए, अब है आपका जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। देखिए यहां क्या होता है कि देखिए, ठीक है, अब यहां देखिए, अब यहां जातिवाचक, जैसे कि मान लो मैं यहां लिख दूं मैंने यहाँ लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी, तो यहाँ पर इनकी जो जाति है ना, क्या है जाति, क्या आ रही है यहाँ पर, गोस्वामी। अब गोस्वामी मैं यहाँ लिख दूँ, अब मैंने ये यहाँ से तुलसीदास हटा दिया और मैंने लिख दिया यहाँ पर गोस्वामी जैसे लोग भक्ति में लीन होते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है, गोस्वामी लोग भक्ति में लीन होते हैं। अब यहाँ पर गोस्वामी जो हैं वो एक पूरी जाति बता रहा है, लेकिन जैसे ही गोस्वामी, मैंने क्या लिखा यहाँ पर, गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी से यहाँ किसका मतलब निकल रहा है, तुलसीदास जी का, क्योंकि तुलसीदास जी ने रामचरित की रचना की है, ठीक है दोस्तों। तो गोस्वामी लोग जो होते हैं वो भक्ति में लीन होते हैं, मतलब ऐसे लोग जो होते हैं वो भक्ति ज़्यादा करते हैं। उसी के साथ में यहाँ पर गोस्वामी जो है किसी जाति का बोध करवा रही है, जैसे इसका परिवर्तन होता है और ये व्यक्तिवाचक में जाती हैं तो क्या हो जाती है, गोस्वामी तुलसीदास बन जाते हैं। मतलब गोस्वामी से क्या हो जाता है, तुलसीदास हो जाता है, क्या हो जाता है, तुलसीदास। तो यहाँ पर क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा से किस में आ गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो जाति का बोध करवा रहे थे, जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास जो है भक्ति में लीन रहते हैं, तो यहाँ क्या हो गया, गोस्वामी से तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, तो यहाँ पर क्या आ गया, गोस्वामी तुलसीदास पूरी एक क्या हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई आपकी, क्या हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। परंतु पहले जो हमने जातिवाचक लिखा था उसमें सिर्फ ये किसका बोध करवा रही थी, गोस्वामी का, और जैसे हमने तुलसीदास लिखा या फिर तुलसीदास इसके साथ में जोड़ा तो ये क्या हो गई, पूरी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, ठीक है। इसमें देखिए और भी देखिए, इसमें जैसे कि इसमें और दिखा दूं मैं आपको, शुक्ल शुक्ल जी, जैसे कि मान लो यहाँ शुक्ल जी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर मैं लिख दूँ, शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। तो देखिए यहाँ पर शुक्ल जो है वो जाती हैं, पूरी जाती हैं, लेकिन जैसे मैंने यहाँ लिख दिया रामचंद्र शुक्ल, क्या लिखा, रामचंद्र शुक्ल, तो ये क्या हो गया,
पर्टिकुलर रामचंद्र शुक्ल जो थे उनका नाम आ गया है, तो यहाँ पर जाति से किसका बोध हो रहा है, व्यक्ति का बोध हो रहा है, ठीक है। तो रामचंद्र जी शुक्ल जो है उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। इसके बाद में देखते हैं देखिए, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। सबसे पहले आप देखिए लिंग, इन्हीं संज्ञाओं में लिंग किस प्रकार से काम में आते हैं। देखिए देखिए, अब एक तो हम जानते हैं कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और एक उभयलिंग होता है। लेकिन अपने को काम किससे, अभी लिंग से। लिंग में हम सबसे पहले अगर पढ़े तो पुल्लिंग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पुल्लिंग, ठीक है दोस्तों। पुल्लिंग में क्या होता है, जो कि पुरुष जाति का बोध कराते हैं, क्या कराते हैं, पुरुष जाति का बोध कराते हैं। जैसे बड़ा छोटा, जिसमें आ की मात्रा लगती हो, वो जैसे बड़ा हो गया छोटा हो गया है, ठीक है, और बड़ा हो गया छोटा हो गया। उसके बाद में देखिए आप और भी हैं इसमें चिता, मतलब जिसमें भी जो पुरुषत्व का बोध कराते हैं, जैसे लड़का हो गया लड़के हो गए, तो ये सब क्या हैं आपके, पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है। उसके बाद में स्त्री लिंग में अगर हम देखें तो जैसे स्त्री हो गया है ना, छोटी हो गया बड़ी हो गया है ना, लड़कियां हो गया, तो ये सब किस में आते हैं आपके, स्त्री लिंग में। तो ये अलग अलग प्रकार के दो टाइप्स होते हैं आपके जो लिंग में आते हैं, जो कि ये लिंग भी जो है आपके किस में आते हैं, किस में आते हैं, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में आते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप देखें, मैंने आपको पहले बताया था इसमें पांच प्रकार होते हैं, तो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक के बाद में फिर जो आपके बचे थे वो जैसे कि समूहवाचक हो गया, पदार्थ द्रव्यवाचक हो गया, तो इनमें समूह में ना तो किसी कोई स्त्रीलिंग होता है और ना ही कोई पुल्लिंग होता है, ठीक है। ऐसे ही द्रव्यवाचक में भी ना तो कोई स्त्रीलिंग होता है और ना ही कोई पुल्लिंग होता है, तो वो सब अलग अलग होते हैं। तो संज्ञा में सबसे पहले अगर हम बात करें तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये सब जितने भी प्रकार हैं ये सब स्त्रीलिंग पुल्लिंग पर ही डिपेंड करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए उसके बाद में मैं कुछ आपको बता दूं स्त्रीलिंग वाले प्रत्यय। देखिए अब सबसे पहले मैंने प्रत्यय लिखा, यहाँ पर लिखा मैंने ई है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये मैंने लिखा लड़की, तो ई जैसे जुड़ा क्या हो गया, लड़की हो गया है ना। उसके बाद में स्त्री हो गया है, उसके बाद में परी हो गया है ना, और क्या हो गया, बकरी हो गया, ठीक है, घोड़ी हो गया। तो ये सब क्या है आपके, स्त्रीलिंग है, क्या है ये सब क्या है आपके, स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो जहाँ पर भी आपको स्त्रीलिंग लगे वहाँ पर स्त्रीलिंग वाचक संज्ञा होती है, और जहाँ पर पुल्लिंग लगे वहाँ पर पुल्लिंग वाचक संज्ञा होती है, ये भी दो प्रकार की होती है, ठीक है, हो चुके हैं। अब अगला देखिए आप, अब देखिए अर्थ के आधार पर किस प्रकार से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं, ठीक है, ये भी आपके इसी संज्ञा में ही आते हैं। तो संज्ञा भी बहुत बड़ा चैप्टर है, संज्ञा के जो ये बाकी चार भाग है ये तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन संज्ञा जो है वो थोड़ा बड़ा चैप्टर है आपका, जो टॉपिक है वो थोड़ा बड़ा है इस चैप्टर में। देखिए अब हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर, हमने सबसे पहले स्त्रीलिंग पुल्लिंग के आधार पर पढ़ लिया, लिंग के आधार पर, अब पढ़ते हैं हम अर्थ के आधार पर। देखिए अर्थ के आधार पर क्या होता है, अर्थ के आधार पर क्या होता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग में भी आते हैं और पुल्लिंग में भी आते हैं, मतलब दिखते सेम है, एक जैसे दिखते हैं, लेकिन उनके जो अर्थ होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिख दूँ कवि है ना, ये तो हो गया आपका पुल्लिंग, और ये हो गया आपका स्त्रीलिंग, तो यहाँ मैंने कवियत्री, कवियत्री। अब यहाँ पर
ये आपका क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, और ये स्त्रीलिंग हो गया। यहाँ पर भी ई आ रहा है, लेकिन ये क्या है, पुल्लिंग है, और ये क्या है, स्त्रीलिंग है। ऐसे एक और लिखिए, विद्वान, विद्वान, ठीक है, क्या है, विद्वान। और विदुषी, तो यहाँ पर भी देखिए वी आ रहा है, मतलब ई लग रहा है, मतलब जो लिंगवाचक जो संज्ञाएं होती हैं उनमें क्या होता है कि हम मात्राओं के आधार पर उनको डिफाइन करते हैं, बताते हैं कि भाई ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। लेकिन इनके आधार पर भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग भी लगते हैं तो स्त्रीलिंग जैसे हैं, या उनमें मात्राएँ तो ई वाली यूज़ होती हैं, लेकिन वे होते क्या हैं, वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ई भी होते हैं, जैसे मात्रा में ई लग रहा है तो भी वो आपको ऐसे लगेंगे कि जो है वो स्त्रीलिंग है, लेकिन वो कभी कभी पुल्लिंग भी होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख ही पा रहे होंगे कि कवि जो है इसमें ई की मात्रा लगी हुई, लेकिन ये क्या है, पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग में ये क्या है, कवियत्री आ गया। विद्वान में जैसे वी ई की मात्रा लगी है, और यहाँ पर क्या हो गया, विदुषी हो गया। ऐसे ही नेता, और फिर यहाँ क्या हो गया, नेत्री। तो ये जो शब्द हैं वो क्या करते हैं, किसी भी संज्ञा के जो अर्थ होते हैं उसको बताते हैं। जैसे कि मान लो अभी हमने बताया आपको कि एक तो लिंग होता है, फिर लिंग के आधार पर स्त्रीलिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, फिर उसके बाद में ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी अच्छी तरह से डिफाइन नहीं हुए या समझ नहीं आए, तो फिर इनको अलग से अर्थ के आधार पर डिफाइन किया गया, बताया गया है कि भाई जिसमें एक ही मात्रा होती है वे भी कभी कभी पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अर्थ के आधार पर हो गए आपके, ठीक है। उसके बाद में हम लिखते हैं आपके वचन के आधार पर, या वचन जो आपके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं ना, वो ये भी किस में आते हैं, संज्ञा में आते हैं। ये मिटा दूंगा, ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर वचन, ये चैप्टर चलेगा आपका 2 दिन लगभग, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ें और अच्छे से तैयारी करें, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से देखिए, अब हम बात करते हैं नंबर सिस्टम पर, या हम बात करते हैं वचन पर, वचन जिसको हम नंबर बोलते हैं, वचन, या फिर मैं यहाँ लिख दूँ, ये हो गया आपका क्या, नंबर। अब देखिए, नंबर से मतलब आप समझ ही पा रहे होंगे कि 1, 2, 3 या 1, 2, 3, मतलब किसी भी संज्ञा का, कि भाई एक लड़का, एक लड़की, 2 लड़के, 2 लड़कियाँ, 3 लड़के, 4 लड़कियाँ, ऐसे मतलब हम किसी भी संज्ञा का क्या करते हैं, पहचान करते हैं वचन के आधार पर कि उसमें कितने नंबर, कितने संख्याएं हैं, तो वो आपका होता है वचन, जो कि नंबर के आधार पर डिफाइन किया जाता है। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ, सबसे पहले आपके लिए परिभाषा लिख लीजिए, परिभाषा शॉर्टकट लिख लीजिए, कि ऐसी संज्ञा जिसमें संख्या का बोध होता है, या ऐसी संज्ञा, या फिर ऐसा वाक्य या ऐसा शब्द जो संख्या से शुरू होता है वो क्या होता है, संख्यावाचक होता है, और उसमें जो संज्ञा होती है वो संख्यात्मक संज्ञा होती है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब यहाँ पर ये भी कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका एक वचन, सिंगुलर जिसको बोलते हैं, एक वचन, और एक होता है आपका बहुवचन, ठीक है, एक वचन और बहुवचन। यहाँ पर एक वचन से तो आप समझते ही होंगे, एक वचन मतलब सिंगुलर या एक, जहाँ पर सिर्फ एक की बात हो, ये हो गया आपका एक वचन, है ना। अब एक वचन से मतलब समझ ही गए, जहाँ पर किसी एक की बात हो, मतलब मान लो कि मेरे पास में ये संज्ञा है, पेन क्या है, पेन एक संज्ञा है, ठीक है, बोर्ड संज्ञा है, तो ये सब क्या है, संज्ञा है। लेकिन ये संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन भी होती है, कब होती है, किस कंडीशन में होती है, कि जहाँ पर कोई भी वस्तु एक ही हो, मतलब मान लो मेरे पास में एक पेन है, तो एक ही पेन है, तो ये क्या हो गई आपकी, एक वचन हो गई, या एक वचन वाली जो संज्ञा होती है वो हो गई। अब बहुवचन में अगर हम बात करें, तो बहुवचन में एक से ज़्यादा, एक से अधिक जहां भी लगे आपको, तो वो वहां समझ लीजिएगा आप बहुवचन, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपके एक वचन और बहुवचन भी कंप्लीट।
और इससे आगे का पढ़ेंगे कल इसी के साथ में। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं कल इसी चैनल पर इसी टाइम पे। धन्यवाद।